क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, तभी उनकी टीचर चंदा क्लास में आकर कहती है, क्या बदतमीजी है ये, इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास में? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, बट आज तुम सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे जब तक मैं ना बोल दूं। बहुत शोर मचाने लगे हो आजकल। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे, प्लीज मैम सॉरी। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे, प्लीज मैम सॉरी। एक ही शर्त पर बैठाऊंगी, जब तुम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दोगे। चंदा की बात सुनकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, तभी सौरभ बोलता है, मैम मुझे टेस्ट अच्छे से आता है, मैं टेस्ट दूंगा। शाबाश सौरभ, बस एक ही बच्चे को मैं पढ़ाती थी क्या, औरों को कुछ नहीं आता? कुछ देर बाद चंदा सारे बच्चों का टेस्ट ले रही होती है, तभी पीछे के बच्चे खुसर फुसर करते हैं। आवाज सुनकर चंदा पीछे जाती है और कहती है, ये क्या करण, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर चंदा सभी बच्चों के सामने डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल मैडम, चुड़ैल कैसे बन सकती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ चुड़ैल, ऐसा कहकर चुड़ैल करिश्मा और करण को हवा में लटका देती है। तभी करण कहता है, सॉरी मैडम, आपसे चीटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी माफ, सुना तुमने, चीटिंग करने वाले बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। मैम प्लीज 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 मैम, एक बार माफ कर दीजिए, अब की बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा, प्लीज मैम। कोई और बच्चा है जो पीछे चीटिंग मार रहा हो, है तो बता दो, मैं उसे मार डालूंगी। आज जो बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल मैम तो बहुत खतरनाक है माया, अब हमारा क्या होगा? हाँ रूही, बहुत डेंजर है मैम। सुना तुम सबने, अब मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है, और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, पढ़ाई तो करनी नहीं है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल बच्चे खड़े हुए होते हैं, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी के साथ क्लास में सब बच्चों के आगे पटक पटक कर मार डालती है और कहती है, देखा तुमने कैसे इन बच्चों को मैंने मार डाला, क्या तुम भी इसी तरह मरना चाहोगे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैम। नहीं मैम। तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे? मैं फिर पूछती हूँ, पढ़ोगे या मरोगे? पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे। हाँ मैम, हम सब पढ़ेंगे, प्लीज आप हमें मत मारना। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, अगर किसी ने भी अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताया, या तुम में से किसी ने कल छुट्टी की, तो समझ लेना इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस चुड़ैल का खौफ बैठ जाता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने घर डरे सहमे हुए पहुँचते हैं। तभी रूही की माँ उसे कहती है, रूही बेटा, तू इतनी कांप क्यों रही है, और इतना तेज बुखार क्यों है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे बेटा, पर सुन तो, इतनी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी तुझे स्कूल से आकर पढ़ना है। रूही अपनी माँ की बात बिना सुने ही अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता है, और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मौत की नींद सुला दिया करती थी। कुछ बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल को बताने की कोशिश करते हैं, पर वो प्रिंसिपल बच्चों की बात नहीं मानता। सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि बहुत दिन बाद क्लास में अभिषेक नाम का बच्चा गुनगुनाते हुए एंट्री मारता है। अरे दीपानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अभिषेक तू क्यों आया यहाँ पर, तू जा और भाग जा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ, और तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। अभिषेक जैसे ही मुड़कर चुड़ैल को देखता है, वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है, और वो भागकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और उसे देखकर हंसती है। आखिर अभिषेक तू आ ही गया, कितना इंतजार करवाया तूने मुझे। लेकिन अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच सकता। आप चंदा मैडम, आपको तो
मार डाला था हमने। मार डाला था तूने और तेरे बाप ने मिलकर, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे बाप को तो पहले ही मार डाला था मैंने। खैर, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मैम मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। प्लीज मैम छोड़ दीजिए, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी? नहीं ना, तो अब मर। ये बोलकर ही चुड़ैल अभिषेक की जान ले लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वॉशरूम के बाहर से प्रिंसिपल देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत डर कर लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल प्रिंसिपल को हवा में उठाती है, लेकिन फिर छोड़ कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चंदा ये क्या हाल बना रखा है, तुम कैसे मर सकती हो? अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? प्रिंसिपल साहब, आपने सब वॉशरूम में सुन तो लिया था, आपको तो पता है मुझे पढ़ते हुए बच्चे कितने पसंद है। फिर भी मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ। एक महीने पहले की बात है, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत लगन से पढ़ा रही थी और जिन बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था वो बच्चे फेल हो गए। उनमें से एक अभिषेक भी था, जिसे मैंने क्लास में सबके सामने कहा, अभिषेक क्या है आजकल तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, 0 मिला है तुम्हें टेस्ट में, बताओ क्यों पढ़ाई नहीं की? मैम पढ़ लिख कर करना क्या है आखिर, बड़े होकर पैसा कमाना है ना, तो वो तो मेरे पास बहुत है। मेरे पापा इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े स्कूल को भी खरीद सकते हैं और आपको भी। अभिषेक की ये बात सुनकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर का तमाचा अभिषेक को जड़ देती है। ये क्या बदतमीजी अभिषेक, अपनी मैम से कोई इस तरह बात करता है? और ये क्या, मेरे पापा इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, ये क्या लगा रखा है? पापा के पैसों पर तुम इतना उछल रहे हो? बेटा, पापा के पैसे उन्होंने कमाए हैं, तुमने नहीं। तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए ताकि तुम भी बड़े होकर कुछ बन सको। पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा, अभिषेक को? तो तू अभिषेक है, अभिषेक बच्चन नहीं जो तुझे मार नहीं सकती। पढ़ना तो तुझे पढ़ेगा। आप मुझे ऑर्डर देंगे? आप मुझे जानती नहीं है, मेरे पापा कितने अमीर हैं। एक कहने की देरी है और फिर देखना आपका क्या हाल होता है। क्या हाल करेगा, बता मुझे क्या करेगा? इसी बात पर चंदा गुस्से में एक तमाचा और मारती है, जिसके बाद क्लास में अभिषेक की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये बात अभिषेक को बहुत ठेस पहुंचाती है और घर जाकर वो अपने पिता ठाकुर रविंद्र प्रताप से कहता है, पापा पापा मुझे उसने बहुत मारा, देखिए आपका बेटा कितना लाल हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? पापा, वो चुड़ैल गंदी सी मेरी क्लास टीचर ने, उसी ने मारा, बस इतनी सी बात पर कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ठाकुर स्कूल में चंदा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो तू है ना चंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? हाँ मैं ही हूँ, आपके बेटे ने बदतमीजी इतनी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब सिखाते हैं आप उसे, गुंडागर्दी? तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंदा इतना कहती है कि ठाकुर और उसका बेटा चंदा के पेट में चाकू घोंप कर मार डालते हैं, जिसके बाद बदले की भावना में मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन सर, अब भी मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। सच में चंदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कहीं बच्चों की जान भी ले ली, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। देखो चंदा, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही चंदा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। दो स्कूल के बच्चे स्कूल की तीसरी मंजिल के ऊपर जाते हुए एक दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे उस क्लास के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे देख तो सही, अंदर कितना बड़ा भयानक भूत है। अरे भूत नहीं, भूत के साथ साथ बच्चे भी भूतिया हैं जो उस भूत से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भूत इन भूतिया बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? आखिर ये लोग कौन है और हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं? देख राघव, मैं तेरे कहने पर इस तीसरी मंजिल पर तो आ गया, लेकिन अब बहुत हो गया, अब तू मेरी बात मानेगा और यहाँ से वापस चलेगा। रुकना यार, थोड़ा सा देखने तो दे, आखिर ये भूत इन बच्चों को पढ़ा क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ तू मान जा, नहीं तो ये भूत हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। राघव परविंदर की एक नहीं सुनता,
जिसके बाद वो क्लास का हल्का सा दरवाजा खोलकर उस भूत और भूतिया बच्चों को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से राघव का हाथ टेबल पर रखे हुए एक शीशे के गिलास पर लग जाता है, जिसके बाद वो गिलास नीचे गिर के टूट जाता है और तभी बहुत तेज आवाज आती है। अरे राघव, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझे मना किया था ना, अब देखना अंदर से सारे भूत निकल आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं अभी इसे उठा देता हूँ। लेकिन तब तक अंदर से भूत और भूतिया बच्चों के कानों तक शीशा टूटने की आवाज पहुंच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर आने वाले होते हैं। ये सब परविंदर देख लेता है, जिसके बाद वो राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाने लगता है। अरे भाग राघव, ये देख भूत बाहर निकल आए हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उस क्लास का भूतिया टीचर बाहर निकलता है, वो कांच का गिलास टूटा हुआ देखकर गुस्से से कहता है, हमारी क्लास तक पहुंचने की हिमाकत इन्होंने की कैसे? हमारे नियम को तोड़कर इन्होंने अच्छा नहीं किया, अब इन लोगों को इसका भुगतान करना होगा। चलो रे भूतिया स्टूडेंट्स, आज तुम सभी को एक नई क्लास सिखाता हूँ कि इंसानों को किस तरह मारा जाता है। ये कहकर भूतिया टीचर सभी भूतिया बच्चों को अपने साथ नीचे के फ्लोर पर ले जाता है और क्लास में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर हमला बोल देता है। जाओ बच्चों, जिसे जितना खाना है तुम खा सकते हो, कोई रोग नहीं है आज तुम्हें। भूत के इतना कहते ही भूतिया बच्चे क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और इंसानों के बच्चों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल में बच्चों की भगदड़ मच जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। हे भगवान, इस स्कूल में ये भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर कहां से आ गया? वैसे ही हम अपने टीचर से इतना परेशान थे और अब ये भूतिया टीचर हमें टॉर्चर करने के लिए आ गया है, अब हम क्या करें? कोई नहीं बचेगा, तुम लोगों ने हमारा नियम तोड़ा है, अब तुम सभी मारे जाओगे। तभी भूत सौरभ को पकड़ता है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग करके उसे खा जाता है। देखो मेरे भूतिया बच्चों, ऐसे ही इंसानों का शिकार करते हैं, अब तुम भी इन लोगों को इसी तरह मार कर खाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सभी भूतिया बच्चे स्कूल के इंसानी बच्चों की गर्दन उनके शरीर से अलग करते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। भूतिया बच्चों का कहर पूरे स्कूल में फैल जाता है, जिसके बाद ये बात एक लीला नाम की टीचर प्रिंसिपल तक पहुंचा देती है। प्रिंसिपल साहब, अनर्थ हो गया, वो भूत अपने भूतिया बच्चों के साथ नीचे आ गया है। जिस बात का मुझे कई सालों से डर था, आज वही हो गया। हमें उन्हें लेकर आना होगा, नहीं तो वो सभी भूत हमारे स्कूल के सारे बच्चों को और टीचर्स को जान से मार देंगे। तुम मेरे साथ चलो। प्रिंसिपल लीला को अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ एक गुप्त रास्ता होता है। उस गुप्त रास्ते से वो स्कूल की बाहर की तरफ निकलता है, जिसके बाद लीला और प्रिंसिपल दोनों मिलकर जंगलों से गुजरते हुए एक बहुत ही भयानक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा एक चिता के पास घूम घूम कर नृत्य करते हुए एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। जटाडपी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 निवाद वन्न वंचकार चंड तांडवम तनोदना शिवा शिवम ओम। जिसके बाद उस चिता के अंदर से एक आत्मा निकलती है। उस आत्मा के निकलते ही अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं, जिसके बाद वो आत्मा अघोरी बाबा के मुंह में चली जाती है और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा हमें आपकी मदद चाहिए, हमारे साथ फौरन चलिए, नहीं तो आज बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और मेरे स्कूल का एक भी छात्र या टीचर नहीं बच पाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सावधानी रखना, लेकिन तुम असमर्थ रहे, हमें उन्हें रोकने के लिए शक्तियों की जरूरत है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले थोड़ी शक्तियां ग्रहण कर लूं। तभी अघोरी अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद कहते हैं, मेरे कब्रिस्तान के मुर्दो, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे अंदर समा जाओ और मेरा साथ दो। अघोरी बाबा के इतने कहते ही कब्रिस्तान की सभी कब्रों के अंदर से आत्माएं निकलने लगती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं और सभी आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं।
जिसके बाद वो प्रिंसिपल और लीला के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही अघोरी बाबा को चारों तरफ भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही अघोरी बाबा एक मशाल जलाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। अघोरी की बात सुनकर लीला और प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा को स्कूल में आते हुए देख सभी भूत और भूतिया बच्चे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है अघोरी? हमारी इजाजत के बिना तू अंदर नहीं जा सकता। ये स्कूल भूतिया है और स्कूल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज है। स्कूल के बच्चों और टीचर को छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरी धमकियों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। भूल गया वो रात जब मैंने तुझसे एक फैसला लिया था? हमने स्कूल का एक नियम बनाया था, अगर किसी ने वो नियम तोड़ा तो स्कूल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा होगा, और आज से स्कूल एक भूतिया स्कूल है। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें कई साल पहले इस स्कूल को कुछ लोगों ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके बाद कई सारे टीचर और कई सारे बच्चे उस आग में जलकर राख हो गए थे, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भूत बनकर गांव वालों को परेशान करने लगे। लेकिन अघोरी बाबा ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें स्कूल की तीसरी मंजिल तक सीमित रखा, ताकि वो कभी इंसानों को परेशान न कर सके। मुझे सब याद है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से स्कूल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि स्कूल में इंसान पढ़ते हैं और उन्हें शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। अब मेरे भूतिया स्कूल पर तुम इंसानों का कोई वजूद नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे भूतिया बच्चे पढ़ेंगे। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी भूत उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद अघोरी को ना चाहते हुए भी अपने अंदर की सभी आत्माओं को अपने मुंह के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी आत्माएं भूतिया स्कूल की सभी आत्माओं से लड़ना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे भूतिया स्कूल की आत्माएं कम होने लगती हैं और आखिरी में अघोरी बाबा भूत को मारने के लिए अपने रुद्राक्ष की माला उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद उसके साथ साथ स्कूल के सभी भूतिया बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं और स्कूल के ऊपर से भूतों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में आराम से पढ़ाई करने लगते हैं।